फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से कुछ प्लांट्स को बचाना बहुत मुश्किल हो गया है और ये मौसम भी बड़ा अजीब है। गार्डनिंग करना बहुत मुश्किल कर देता है क्योंकि एक महीने पहले इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि प्लांट्स में पानी देते देते हम परेशान थे और सुबह शाम पानी डालने के बाद भी प्लांट्स के लिए पानी पूरा नहीं हो पाता था। लेकिन अब देखिए आप, चारों तरफ पानी ही पानी है और इस वक्त जेड प्लांट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि जेड प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती और अगर ज़्यादा पानी इसमें चला जाए या पानी रुक जाए तो ये बहुत जल्दी गल जाता है, सूख जाता है। और ये कुछ गमले मैंने अभी ट्रांसफ़र किए थे, प्लांट्स एक गमले में बहुत सारे प्लांट लगे हुए थे तो उनमें से निकाल के मैंने ये सिंगल सिंगल डबल करके प्लांट लगाए हैं। तो इनको बचाना इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। जेड प्लांट को बचाने के लिए बारिश से तो मेरी यही एडवाइस है कि एक तो आप इसे किसी दीवार के किनारे रखें जहाँ बारिश कम लगती है और दूसरा इसके गमले में बहुत ज़्यादा जगह ना छोड़ें, ऊपर तक मिट्टी भर दें जिससे कि अगर पानी इसमें पड़ता भी है तो निकल जाएगा, रुकेगा नहीं। और अगर हो सके तो उसे बारिश से बचाने की कोशिश करें। और अगर आपने किया है कोई न्यू प्लांट ट्रांसफ़र या रिपोर्टिंग की है तो उसे तो पानी से एकदम बचा के रखना है। और ये बात ज़रूर ध्यान रखें, इस समय किसी भी अच्छे चलते हुए प्लांट की रिपोर्टिंग ना करें क्योंकि जेड का प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। मेरे खुद के कई दो प्लांट चले गए हैं बारिश में रिपोर्टिंग करने की वजह से, तो खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये गुलदाउदी के गमले जो मैंने लास्ट ईयर के गमले थे उन्हीं को संभाल के रखा था तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन 15-20 दिन पहले ये इतने अच्छे नहीं लग रहे थे क्योंकि धूप और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि 2 बार पानी डालने के बाद भी इनमें एकदम सूखा सूखा सा लगता था। और ये फिर मैंने रख दिए थोड़े पीछे की साइड शेड एरिया में, तो वहाँ कुछ गमले इस तरह से गल गए और जो इसमें प्लांट थे वो ख़त्म हो गए, ये बस 5-6 प्लांट बचे हैं। और जबकि मुझे अच्छे लगते हैं पूरी तरह से ऐसे भरा हुआ गमला, जब इस पर फ्लावरिंग होती है तो पूरी तरह से गमला भर जाता है। इस तरह के मेरे 4-5 गमले ख़राब हो गए हैं तो मैं क्या करूँगी कि इसी टाइप की कटिंग और इसमें लगा दूँगी जगह जगह बीच में। और इस समय मैं इन्हें दे रही हूँ NPK, बारिश में बहुत अच्छा रहता है इनके लिए, और थोड़ा सा यूरिया और DAP भी मैं मिक्स कर दूँगी क्योंकि बारिश की वजह से, ज़्यादा पानी की वजह से इनमें जितना भी फर्टिलाइज़र होता है वो बह जाता है और यही टाइम है इनकी ग्रोथ करने का, तो इनके लिए फर्टिलाइज़र बहुत ज़रूरी है। बात करें हम एलोवेरा की, तो एलोवेरा ऑल टाइम बहुत अच्छा चलता रहता है, बहुत ज़्यादा पानी की, बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती इसे, लेकिन इस समय इसे भी बचा के रखना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ज़्यादा पानी पड़ने की वजह से ये गल जाता है और जो छोटे छोटे इसमें बेबी प्लांट निकलते हैं इस तरह से, वो देखिए अब बिल्कुल उनकी जड़ें ख़राब होकर गल जाता है। ये सर्द का टाइम रिपोर्टिंग करने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम होता है। अगर आपने किसी प्लांट की रिपोर्टिंग करनी है तो आप इस टाइम कर सकते हैं। मैंने भी कई प्लांट्स को इस वक्त रिपोर्ट किया है। ये एक पिलखन का प्लांट था जो काफ़ी छोटे गमले में लगा था तो मैंने इसे थोड़े बड़े गमले में लगा दिया है। आप अगर किसी प्लांट की कटिंग भी लगाना चाहते हैं वो भी बहुत आसानी से चल जाती है। जैसे ये पीपल का प्लांट है तो आप इसे ऊपर से पिंच करके और इसकी सारी लीव्स तोड़ दीजिए और इसे सैंड में या फिर किसी भी गमले के साइड में लगा दीजिए, बहुत आसानी से इसकी कटिंग चल जाती है। और अभी तक आपने अगर गुलदाउदी की कटिंग्स नहीं लगाई हैं तो वो भी लगा दीजिए, अभी टाइम निकला नहीं है, और बहुत आसानी से बड़े अच्छे तरीके से इन दिनों में कटिंग्स चल जाती हैं। इस मौसम में ध्यान रखें कि गमलों में पानी इकट्ठा ना हो और अगर भर गया है तो उसे निकाल दीजिए या फिर उसमें ऊपर तक मिट्टी भर दीजिए जिससे पानी इकट्ठा ना हो। उसके 2 फायदे हैं, एक तो प्लांट गलेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा, और दूसरी बात ये है कि मच्छर और कीड़े उसमें पैदा नहीं होंगे। पानी बिल्कुल भी ना रुकने दें, अपने गार्डन में भी अगर कहीं पानी भर रहा है तो उसे निकालने की ज़रूर कोशिश करें। ये एरिका पाम मैंने
काफ़ी छोटे गमले में लगाई हुई है, इसे मैं रिपोर्ट करूंगी क्योंकि प्लांट बहुत बड़ा हो गया है और ज़्यादा गर्मी थी तो उसकी वजह से इसकी लीव्स जल भी गई हैं। और अगर रिपोर्ट करना है इसे या फिर आपने इसे अलग अलग करना है, कुछ ब्रांचेज आप अलग गमले में लगाना चाहते हैं तो वो भी इस वक्त निकाल के लगा सकते हैं, बेस्ट टाइम है इसे लगाने का। और ये जब ज़्यादा गर्मी थी तो मैंने इस तरीके से इसमें जूट रख दी थी। इधर कुछ रखी है मेरी फाइकस की बोनसाई, इन सभी को मैंने कटिंग के थ्रू ग्रो किया है और सभी की कटिंग मैं जितनी भी करती हूँ उन्हें लगा देती हूँ। और ये ग्रोथिंग पीरियड है फाइकस का, तो अगर आपने कटिंग करनी है या प्लांट को सेप देनी है तो इस टाइम कटिंग करके आप इनकी ब्रांच को ऊपर से ही तोड़ के 5-6 पत्ते हटा दीजिए और लगा दीजिए तो बहुत आसानी से इसकी कटिंग चल जाती है। और फाइकस की बोनसाई बहुत आसानी से बड़े अच्छे तरीके से ही आप घर पे ग्रो कर सकते हैं, बस आपको एक कटिंग चाहिए इसकी। इधर रखे हैं मैंने सक्यूलेंट्स प्लांट, जिनको बारिश से बचाना बहुत ज़रूरी होता है। और ये देखिए एक छोटा सा प्लांट था, ये ख़राब भी हो गया, एकदम से गल गया है ये। और इस समय क्या होता है कि इनमें थोड़ा सा भी पानी अगर ऊपर नीचे हुआ, जैसे प्लांट अगर सूखा है बिल्कुल और आपने उसमें भर के पानी लगा दिया तो वो बहुत जल्दी गल जाता है। इसीलिए मैं इन प्लांट्स को बचा के रखती हूँ बारिश से, जब भी बारिश होती है इनके ऊपर कोई टीन का टुकड़ा रख देती हूँ। और अगर बात की जाए इन्हें मल्टीपल या बढ़ाने की, तो आप इस तरह से छोटी छोटी लीव्स को कहीं भी लगा के, इधर मोस्टली जो प्लांट लगे हुए हैं इनको मैंने इसी तरह से इनकी लीव्स के साथ ही इन्हें ग्रो किया है। और इनमें होता क्या है कि इनकी लीव्स जो नीचे गिरने वाली हैं उनको साइड में से तोड़ के, और आप या तो उसके सैंड के अंदर रख दीजिए उसे, या फिर रख दीजिए आप कोकोपीट के साथ, तो बहुत जल्दी न्यू प्लांट दे देती हैं। छोटे छोटे बेबी प्लांट ग्रोथ भी बहुत जल्दी करते हैं इन दिनों में, लेकिन बस यही है कि पानी से बचा के रखना है। इनके लिए मॉइस्चर ही काफ़ी होता है, पानी की ज़रूरत नहीं होती इस सीज़न में इन्हें। ये एक प्लांट जो मेरा ख़राब हुआ है, ये कमल की तरीके से ही था, बड़ा सुंदर प्लांट था, लेकिन हुआ क्या कि ये छोटा सा ही प्लांट था और इस गमले को आप देख ही रहे हो बहुत ज़्यादा सूख गया था। फिर मैंने पानी डाल दिया, 2-3 दिन बारिश नहीं हुई तो फिर ये गल गया, बिल्कुल ख़राब हो गया प्लांट। इधर मैंने लगाया हुआ है लोटस, और मैं ये येलो कलर का लोटस लाई थी और इसमें 2 प्लांट हैं। अब देखते हैं कौन से कलर का निकलता है, अभी फ्लावरिंग तो नहीं हुई है इस पर, लेकिन इसे लगाने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी किस तरह से इसे लगाया जाता है। और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, शुरू में मुझे भी डर लगता था कि कमल का प्लांट पता नहीं कैसे लगाते हैं, होगा या नहीं होगा, लेकिन ये मैंने अभी 1 मंथ पहले ही लगाया है, लेकिन बहुत अच्छी ग्रोथ ये कर रहा है। न्यू न्यू छोटे छोटे पत्ते इस पर आ रहे हैं और देखो शायद फ्लावर्स भी आ जाएं। फ्लावर्स आएंगे तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। ये कुछ जेड प्लांट मैंने ज़मीन में लगाए थे कटिंग के थ्रू, तो बहुत अच्छे हो गए हैं, लेकिन अभी मैंने इन्हें सेप नहीं दी है और बस ये बढ़े चले जा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत आसानी से इन्हें हम सेप दे सकते हैं जैसा भी हमें। 1 मंथ पहले मैंने ये मिर्च का प्लांट लगाया था और इसने बड़ी अच्छी ग्रोथ की है, काफ़ी फैल गया है और अब इस पर मिर्च भी लगनी स्टार्ट हो गई हैं। और आपको कैसी लगी मेरी वीडियो बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट करके, अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, और अगर अच्छा लगे तो आप फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।